भारत का कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भारत की तस्वीर को बदल कर रख देगी। आए दिन कुछ न कुछ हमारे इंडिया में नए कारनामे होते रहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी द्वारा हमें बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। हम आपको इंडिया में आने वाले 10 ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नंबर 1, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत ने जापान साथ समझौता करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई थी और अब इस परियोजना मेगा प्रोजेक्ट की 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किमी प्रति घंटा होगी, जहां पर अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच का बस का सफर 9 घंटे और ट्रेन की सफर 9 घंटे का है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन इस सफर को 2 घंटे में तय करेगी। इसे बनाने में लगभग 25,000 करोड़ की लागत होगी। सरकार का कहना है कि इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 2 में है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, ये परियोजना देश का ऐसा रूप बदल देगी कि आपको दूर से दिखाई देगा कि वहां का विकास कैसे हुआ है। 2018 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास के लिए बनाई जा रही है। इस परियोजना में बंदरगाहों और नेशनल कॉरिडोर को जरूरतों के अनुकूल बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और मॉल ढुलाई दरों में मदद करना। इसमें 83677 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा गया है। इनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 18 किलोमीटर निर्माण करने की निर्णय लिया है। नंबर 3 पर है मुंबई टू दुबई अंडरसी ट्रेन प्रोजेक्ट। समुद्र के अंदर से ट्रेन के लिए सुरंग, मुंबई टू दुबई अंडरसी ट्रेन प्रोजेक्ट, ये ट्रेन बेहद चौंकाने वाला है। अबू धाबी में आयोजित यूएई भारत कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया है कि यूएई पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है, जो मुंबई को संयुक्त शहर के फुजेरा से जोड़ेगी। इसमें खास बात यह है कि यह ट्रेन भारत के मुंबई शहर से यूएई के फुजेरा शहर तक 2 घंटे में पहुंचा देगी। दोनों देशों के पर्यटकों के साथ साथ यूएई में पानी का भी एक्सपोर्ट करेगी और यूएई से तेल अपने देश में एक्सपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भविष्य में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी सुधार होगा।